नेक्स्ट, इफ यू स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ द ओपन पाइप एट बोथ एंड. चलो अगर हमारे पास एक पाइप है जो ऑलरेडी ओपन है, ओपन मतलब है कि दोनों साइड से वो पाइप खुला हुआ है और इसमें कोई फ्लूइड है, वैक्यूम नहीं होगा यार. वैक्यूम होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट ही नहीं होगी. देयर मस्ट बी सम फ्लूइड इन पाइप. इस पाइप में कोई ना कोई फ्लूइड जरूर रहेगी. इफ यू स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ पाइप एट, इसमें से आप अगर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस ओपन पाइप के लिए सही है, अगर इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ऑल हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर जनरेटेड. ऑब्वियसली 100% सही है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इसमें तो इसमें सभी हार्मोनिक प्रेजेंट्स होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी है भी एन भी अपॉन टू एल के इक्वल है, वेयर एन इज द इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से. तो इसमें सभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है. प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, ऐसा नहीं है. अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये हमें कैसे दिखता है, फंडामेंटल में एक नोड बनता है और यहाँ हमारे पास ये कुछ ऐसा, ये एक कुछ हमें ये जो स्ट्रिंग है वो कुछ हमें ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसा. ये जो है वो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है. फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक नोड बनेगा और यहां पर हमेशा एंटी नोड बनेगा, यहां पर हमेशा एंटी नोड बनेगा और यहां पर एंटी नोड हमें मिल जाएगा. तो एंटी नोड ये सारी चीज हमें कैलकुलेशन में आ जाएगी, बराबर है. चलो तो अब यहां से हम सबको पता है कि ये जो आप एंटी नोड देखते हो, ये इसको डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड. और ये जो चीज़ है वो एक्चुअली नोड है. तो ये नोड है और ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है. अब आपको इसके अलावा एक अलग से नोड आता है जो आप कभी कभी कोई टीचर पढ़ाते हैं, कोई कोई नहीं पढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेशर नोड और प्रेशर एंटी नोड. तो आपको याद रखना है कि जहां पर ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनता है वहां पर प्रेशर नोड बनता है. प्रेशर नोड यहां प्रेशर कम होता है क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स ऐसे मतलब दूर दूर होते हैं, तो यहाँ प्रेशर कम होता है तो यहाँ प्रेशर नोड बनता है. और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नोड बना है तो यहाँ प्रेशर एंटी नोड बनता है. प्रेशर एंटी नोड मतलब ये प्रेशर वेव की कहानी है थोड़ा सा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. एंटी नोड हमेशा होता है ओपन एंड पे. अभी हम लोग देख लिए ओड हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड. ओड भी जनरेट होते हैं, इवन भी जनरेट होते हैं, मतलब बी ऑप्शन हम लोग का सही है. चलो